सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। शुरुआत करते हैं 75 जिले की 75 बड़ी खबरों से। ऑपरेशन के 12 घंटे बाद भी फौजी के होश नहीं। बरेली के टीटीई ने ट्रेन से धक्का दिया था, एक पैर कटा, दूसरा फ्रैक्चर। मेरठ में दोस्तों ने साथी को मारी गोली, जिम से बुलाकर ले गया था, उदासी का कारण पूछने पर किया फायर। दुल्हन देखने बरेली पहुंचा, फर्जी दोगा अरेस्ट, वकील लड़की से कहा मैं हजरगंज थाने में तैनात हूं, थाने वाले बोले ऐसा कोई दरोगा ही नहीं। आयुष कॉलेजों में 891 फर्जी दस्तावेज में एसटीएफ का बड़ा एक्शन, निलंबित आयुर्वेद निदेशक प्रोफेसर एस एन सिंह और मास्टरमाइंड समेत 12 गिरफ्तार। डीएम ने बुजुर्ग की आंखों का कराया फ्री ऑपरेशन, अलीगढ़ कलेक्ट्रेट में फरियाद लेकर आया था, बोला परिवार में कोई नहीं है, आंख से नहीं दिखता है। बीएचयू में काशी तमिल संगम की तैयारियां पूरी, पीएम मोदी ने लिखा काशी तमिल संगम दो राज्यों के अटूट बंधन को रखेगा का बरकरार। कानपुर में लाल इमली, कर्मियों को मिलेगा बकाया, कर्मचारियों का दर्द लेकर कपड़ा, मंत्री से मिले कानपुर के दोनों सांसद। इटावा में यमुना नदी में छोड़े गए 1,00,000 मछलियों के बच्चे, उप निदेशक बोले मछुआरा समुदाय और पर्यावरण के लिए फायदेमंद। प्रयागराज में खत्म हुई कोरोना रोधी वैक्सीन, बंद हुए 33 वैक्सीनेशन सेंटर, कोवैक्सीन की 10,000 डोज बची। भ्रष्टाचार के मामले में अलग अलग कार्रवाई, पूर्व कुलपति अशोक मित्तल को शिकायत पर ही हटा दिया गया था, विनय पाठक एफआईआर के बाद भी बचे हुए हैं। बीएचयू हॉस्पिटल में हृदय रोगियों के लिए बेड नहीं, कार्डियोलॉजिस्ट ने लगाए एमएस पर आरोप, कुल क्षमता से नहीं करने दिया जा रहा इलाज। नोएडा में पुलिस मुठभेड़ में बदमाशों को लगी है गोली, एनसीआर में 16 मुकदमे हैं दर्ज, दो साथियों के साथ घर में घुसा करता था चोर। ललितपुर में जीजा ने साली का गला रेता, रेप में नाकाम होने पर किया हमला, खुद ट्रेन के आगे कूद कर दी जान, युवती की हालत गंभीर। डेंगू बरपा रहा है कहर, रिकॉर्ड 68 नए केस मिले हैं, सरकारी और निजी अस्पतालों में मिलाकर 41 डेंगू मरीजों का चल रहा है इलाज। चंदौली में व्यापारी से लूट मामले में जांच जारी, सीओ और कोतवाल ने पीड़ित व्यापारी से ली है जानकारी, कहा जल्द होगा घटना का खुलासा। बीए बीएड के छात्रों ने प्रयागराज में डाली डकैती, जूस की दुकान में को बनाई प्लानिंग, सिपाही के बेटे ने कराया हथियारों का इंतजाम। अयोध्या के 55 मदरसों में नहीं थी मूलभूत सुविधाएं, गणित विज्ञान अंग्रेजी और कंप्यूटर जैसी आधुनिक शिक्षा से बच्चे थे दूर। आजम और बेटे के सहित 5 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल, रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी से चोरी की मशीन बरामद होने के मामले में शुरू हुई सुनवाई। तमंचे पर डिस्को में चली गोलियां, मेरठ में मां से हुई बदतमीजी पर विरोध करना बेटे को पड़ा भारी। डेंगू का टाइप 2 स्ट्रेन ज्यादा खतरनाक, मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज की लैब में हुई पुष्टि, डेंगू होते ही शाख में पहुंच रहे हैं ज्यादातर मरीज।
कौशाम्बी में आमने सामने दो पिकअप की भिड़ंत, हादसे में एक की मौत, चार घायल। मझनपुर करारी मार्ग में हुआ है हादसा। गाजियाबाद में घुसखोरी में सिपाही लाइन हाजिर, 5,000 रुपए लेकर आरोपी को लौटाई डीवीआर, इसी में कैद था, छेड़छाड़ का सारा घटनाक्रम। बाराबंकी में कार रिपेयरिंग के गैराज में लगी है आग, बाइक कार बाइक समेत लाखों का सामान जलकर हुआ है खाक, लोगों ने घंटों की मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। प्रतापगढ़ में प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, घर लौटते समय कार सवार बदमाशों ने मारी गोली, जमीन के विवाद में हत्या की आशंका। पुलिस मुठभेड़ में दो बदमाशों को लगी है गोली, प्रयागराज में छात्रों पर फायर करने वाले गिरफ्तार, भाग रहा था तीसरा आरोपी भी पकड़ा गया। गाजियाबाद में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार कार के डिवाइडर से टकराने के बाद हादसा हुआ है, हादसे में एक की मौत, तीन घायल। हमीरपुर में असिस्टेंट मैनेजर पर 54 लाख रुपए के गबन का आरोप, गबन के आरोप में बैंक ऑफ बड़ौदा के असिस्टेंट मैनेजर पर मुकदमा दर्ज। निधि हत्याकांड मामले में निधि के परिवार को मिली है सुरक्षा, सुफियान पर घोषित हुआ इनाम, पुलिस आरोपी को किया गिरफ्तार। हमीरपुर में घसान नदी में अवैध खनन का खेल जारी, नियमों की अनदेखी कर प्रतिबंधित मशीनों से हो रहा है खनन। हरदोई में सट्टेबाज गैंगस्टर का आतंक जारी, सट्टे का काम करने से मना करने पर युवक को मुर्गा बनाकर पीटने का लगाया आरोप। अम्बेडकर नगर पहुंचे आजाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद, वाजिदपुर घटना मामले में अकबरपुर जिला कारागार में बंद महिलाओं से मिले। औरैया में वकीलों और अभियुक्तों के बीच हुई है मारपीट, पुलिस ने अभियुक्त को मेडिकल के लिए भेजा। बुलंदशहर में गंदे पानी से गुजरने को मजबूर हैं छात्र छात्राएं, पानी भराव होने से जनित संक्रमण रोगों ने अपने पैर पसारना शुरू कर दिया है। फरुखाबाद में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगने से डीसीएम बनी है आग का गोला, रुड़की से वरदाना लेकर कानपुर जा रही थी डीसीएम। बुलंदशहर में डीएम ने एक बार फिर किसानों से पराली नहीं जलाने की अपील की है, पराली को गौशाला में दान करने की है अपील। गोंडा में जिला अस्पताल की लापरवाही सामने आई है, मरीजों को खुद स्ट्रेचर पर ले जा रहे हैं परिजन, वीडियो हो रहा है सोशल मीडिया पे वायरल। गोरखपुर के न्यू गाजी रोजा कॉलोनी में मकान में लगी आग, मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया है काबू। हरदोई में दो युवकों पर मारपीट का वीडियो हुआ है वायरल, रुपयों के लेन देन को लेकर हुआ है विवाद, एक युवक ने दूसरे को गिराकर पीटा। लखनऊ में विद्युत कर्मचारी मोर्चा संगठन का वार्षिक महाअधिवेशन का आयोजन हुआ है संपन्न, मंत्री स्वतंत्र देव सिंह रहे मौजूद। हरदोई में एआरटीओ कार्यालय बना, दलालों का वसूली का अड्डा, सरकारी कुर्सियों पर बैठकर सरकारी कार्य कर रहे हैं प्राइवेट कर्मचारी। प्रयागराज की परेड ग्राउंड में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में बदमाशों और पुलिस टीम ने किया है गिरफ्तार। हरदोई में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्राली ने बाइक सवार को
दो युवकों को कुचला, मौके पर हुई मौत, एक साथी घायल। कानपुर नगर निगम के अधिकारी और स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। पार्षदी के कार्यकाल में वार्ड 82 के बहुत बुरा हाल है। रायबरेली में दो पक्षों में हुआ है जमकर खूनी संघर्ष। मामला गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र के पुरई गांव का है। रामपुर उपचुनाव में वोट नहीं डाल सकेंगे आजम खान, भाजपा प्रत्याशी आकाश सक्सेना ने लिखा था पत्र। निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ने दिए हैं आदेश। सुल्तानपुर पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी। कार्यकर्ताओं ने असरोगा टोल प्लाजा में किया है भव्य स्वागत। बुलंदशहर में लगातार चल रहा झोला छाप डॉक्टरों का आतंक, सीएमओ साहब के पास पहुंचा झोला छाप डॉक्टर के खिलाफ शिकायती पत्र। अस्पतालों में बेड पर मरीजों के बजाय अरमा फरमा रहे हैं आवारा कुत्ते। कुत्ते का वीडियो सोशल मीडिया पे हो रहा है वायरल। आगरा पछता को ट्रैक्टर ट्राली में लाने को मजबूर। स्वास्थ्य विभाग पछता को ट्रैक्टर ट्राली में खटिया पर लिटाकर लाने का वीडियो हो रहा है वायरल। चंदौली में पिपक मोटरसाइकिल में जोरदार टक्कर होने से बाइक पर सवार दो युवक गंभीर रूप से घायल, चालक मौके से हुआ फरार। कानपुर के सर्वांगीण विकास को लेकर बुलाई गई है बैठक। यूपी के विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की अध्यक्षता में हुई है यह बैठक। निधि को मौत के घाट उतारने वाला सुफियान पुलिस मुठभेड़ में हुआ है घायल। पुलिस ने घायल अवस्था में सुफियान को दबोचा। कानपुर देहात में महिला से छेड़छाड़ कर रहे युवकों को चप्पल से धुना गया है, चप्पल धुनाई का वीडियो हो रहा है वायरल। उन्नाव में खेत में खून से लथपथ किसान का शव मिला, शव मिलने से खेत में मचा हड़कंप। अजगैन थाना क्षेत्र के सधीरा गांव की घटना है। बुलंदशहर में पुलिस वाली मैडम की पाठशाला, झुग्गियों में रहने वाले बच्चों को दे रही है शिक्षा। मुरादाबाद की थप्पड़ वाली टीचर मासूम बच्चों के गाल पर दनादन मारे थप्पड़, पेरेंट्स शिकायत लेकर पहुंचे तो बोली फालतू बातें मत करो। प्रेमिका की गर्दन काट के घर में दफनाने वाले को उम्र कैद। सहारनपुर के 3 साल पहले हुई थी वारदात, हत्यारा बोला वो धोखेबाज थी। बीएचयू में अटकी भर्तियार पीठ की फाइल, पीएम मोदी की घोषणा के 426 दिन बाद भी कोई नियुक्ति नहीं, आज हुई है स्मारक की सफाई। बरेली में अलायंस बिल्डर्स के निदेशकों के घर छापा, सन सिटी के मकान में मिले 40 बोरे रजिस्ट्री के दस्तावेज। सीतापुर में NH-24 पर सड़क हादसे में एक की मौत, दो लोग गंभीर रूप से घायल, ट्रक ने ईंट से भरी ट्रैक्टर ट्राली को मारी थी टक्कर। एसपी ने पुलिसकर्मियों के साथ किया था पैदल मार्च, सिद्धार्थनगर में लोगों ने सुनी समस्याएं, समाधान के दिए हैं निर्देश। कासगंज में 3 थाना प्रभारियों के कार्य क्षेत्र में बदलाव, वीरेंद्र गिरी को बनाया गया सदर कोतवाली प्रभारी। आजमगढ़ में पशु व्यापारी की हत्या करने वाला पुलिस मुठभेड़ में हुआ है गिरफ्तार, गमछे से गला कसकर की थी हत्या, हाथ पैर बांधकर नदी में फेंकने का है आरोप।
मथुरा में सूटकेस में मिली है लड़की की लाश। यमुना एक्सप्रेसवे पर सूटकेस में मिला था, अभी लड़की की पहचान नहीं हो पाई। हाथरस में खेत से निकला अजगर, सूचना के बाद नहीं आई वन विभाग की टीम, ग्रामीणों ने किसी तरह पकड़ा। बलरामपुर में एसपी ने सीमावर्ती थाने के प्रभारियों के साथ की बैठक, भारत नेपाल सीमा से सटे इलाके की निगरानी के विशेष निर्देश। इटावा में 24 घंटे में 75 आरोपी गिरफ्तार, उपचुनाव और निकाय चुनाव को लेकर पुलिस ने चलाया दस्तक अभियान। संत कबीर नगर में जिंदा होने का सबूत देने कचहरी आए बुजुर्ग की मौत, अफसर ने 6 साल पहले कागजों में मरा बता दिया था। बिजनौर में व्यापारियों ने मुख्यमंत्री के नाम दिया है ज्ञापन, कहा व्यापारियों का वाहन चेकिंग ना कराएं और चुनावों में उनके वाहन को ना लगाएं। राम रहीम के सत्संग में विहिप का हंगामा, पोस्टर बैनर फाड़े, बोले सत्संग के बहाने बच्चों महिलाओं का आतंकी गतिविधियों में ढकेल देता था राम रहीम। बांदा में शादी समारोह में हर्ष फायरिंग करने वाला गिरफ्तार, युवक लाइसेंसी राइफल से कर रहा था फायरिंग, वीडियो सामने आने पर एक्टिव हुई पुलिस। हापुड़ में बिना पंजीकृत चल रहे हैं ई रिक्शा पर होगी कार्रवाई, 15,000 ई रिक्शा में 3,200 पंजीकृत, 1,700 कर रहे हैं टैक्स जमा। देवरिया पहुंची राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम, बोली किसानों को आत्मनिर्भर बनाना रही है भारत सरकार। सरस्वती में पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता, पुलिस ने शातिर गुंडा एवं जिला बदर अपराधी को किया गिरफ्तार। बदायूं में सड़क हादसे में युवक की मौत, बहन को ससुराल छोड़कर घर लौट रहा था, बाइक को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। फिलहाल 75 जिलों की 75 बड़ी खबरों में बस इतना ही, देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।